अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगी वीवो वाई सीरीज़ में एक नया वर्जन हमारे पास आया है। इतने टाइम के बाद हमारे पास आई है अनबॉक्सिंग के लिए वीवो Y53S। इस डिवाइस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। एक तो ये बजट फ्रेंडली है, प्राइस मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है। जैसे ही ये लॉन्च होगी मुझे प्राइस इसकी कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी इसकी प्राइस। इसमें जो हमें रैम मिलती है वो 8GB रैम मिलती है, 128GB इंटरनल स्टोरेज। कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं इस बॉक्स के ऊपर, इसमें आपको मिलता है 5000mAh की बैटरी और 8GB रैम मिलती है। इसमें 8GB रैम के साथ आप मजीद 4GB रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसमें कुछ कलर्स भी हैं जो कि काफ़ी यूनिक कलर्स हैं। इसको बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको कलर्स मिलते हैं फैंटास्टिक रैम्बो कलर और इसके साथ आपको एक डीप सी ब्लू कलर मिलता है और ये 3D डेजलिंग कलर्स हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चेंजेस की गई हैं। तो देखते हैं अनबॉक्सिंग के बाद हमें इसके डिज़ाइन किस तरह मिलता है। यहाँ पर मज़ीद कुछ डिटेल्स हैं जो कि मैं आपको साथ साथ ही बताऊँगी। मेरे पास जो कलर है वो है फैंटास्टिक रैम्बो कलर का। तो अब हम इसको जल्दी से करते हैं अनबॉक्स। डिवाइस को मैंने अनबॉक्स कर लिया है। सबसे टॉप पे हमें मिलता है इसमें कुछ पेपर वर्क, इसके साथ इसका जो है वो बैक कवर मिलता है। और अब डिवाइस को हम बाद में चेक करेंगे। ये इसका चार्जर है जो कि है फ्लैश चार्ज 2.0 की टेक्नोलॉजी, इसमें वीवो की ही यूज़ की गई है। और ये 33 वॉट का आपको फास्ट चार्ज मिल रहा है, 5000mAh की बैटरी। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको बैटरी बड़ी दी गई है तो आपको फ़ास्ट चार्ज भी अच्छा खासा दिया गया है। इसमें काफ़ी अच्छे स्पेक्स भी दिए गए हैं क्योंकि वीवो ने टारगेट किया है यहाँ पे गेमर्स को भी। और इसके साथ कैमरा भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो यहाँ पर हमें मिलती है इसकी डाटा केबल जो कि है टाइप सी, और इसमें हैंड्स फ्री भी मिलते हैं। और हम निकाल लेते हैं इसकी सिम इजेक्ट टूल, क्योंकि यहाँ पर चेक करना है कि इसमें कितनी आपको स्लॉट्स दी गई हैं। ऑलरेडी आपको 128GB इसमें स्टोरेज मिल रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ चेक कर लेते हैं। जितना मुझे पता है इसमें डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी है। ओके, तो अब हमने देखना है डिवाइस को। ये इसकी लुक्स हैं। तो यहाँ पर आपको रेनबो नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि ये कलर भी वही आपको दिया गया है। तो काफ़ी ख़ूबसूरत इसका बैक पैनल है। अगर आप अच्छी लाइट में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे कलर्स इसमें नज़र आएंगे। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा मुझे इसका बम्प उठा हुआ लग रहा है। 64 MP का इसमें मेन कैमरा दिया गया है, लेकिन ये 64 मिलियन पिक्सल्स को सपोर्ट करता है। तो कैमरा यहाँ पर अच्छे आपको दिए गए हैं, लेकिन डिटेल में हम चेक करेंगे जब रिव्यू करेंगे। वीवो की ब्रांडिंग भी नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको मिलता है राइट साइड पे पावर बटन वॉल्यूम की, आप इसको फिंगरप्रिंट सेंसर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बॉटम पे मिलते हैं इसके स्पीकर, टाइप सी की पोर्ट, ऑडियो जैक भी मिलता है। इसके अलावा सबसे टॉप पे वैसे आपको मिलता है लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे, लेकिन यहाँ पर टॉप पे दिया गया है। तो अभी ही चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कितने स्लॉट्स दिए गए हैं। ट्रिपल स्लॉट दिए गए हैं, अगर आप अपनी मेमोरी को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो ऑप्शन है। डिवाइस को ऑन भी मैंने कर लिया है। एक और चीज़ यहाँ मैंने नोट की कि डिवाइस का वेट काफ़ी ज़्यादा कम मुझे लग रहा है। बड़ी बैटरी है, लेकिन इसको अच्छा काफ़ी स्लिम बनाया गया है। और डिवाइस का साइज़ भी बड़ा है, यहाँ पर आपको बैटरी भी बड़ी दी गई है, लेकिन अच्छा डिज़ाइन किया गया है। लाइक बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं हो रहा। और बड़ी डिवाइसेस का ये होता है कि इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेशंस करते हैं, गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या अगर आप मल्टीमीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो बड़ी डिवाइस का यही प्रॉब्लम होता है कि वो थोड़ी हैवी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी मुझे स्लिम लग रही है ये डिवाइस, और वेट भी कम है। फ्रंट में आपको मिलता है बिल्कुल सेंटर में नॉच मिलता है 16 MP का। इसमें आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है। बेजल्स काफ़ी हद तक कम है। 6.58 इंच का ये डिस्प्ले है। इसमें आपको फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिलती है। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन साइट अच्छी दी गई है। IPS पैनल आपको दिया गया है। इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। ब्राइट डिस्प्ले लग रहा है, और सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ मैटर करती है कि कितना ज़्यादा विजिबल है, स्पेशली सन लाइट में। तो वो तमाम डिटेल्स मैं इसका रिव्यू बनाऊँगी, उसमें हम चेक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे इसका डिस्प्ले अच्छा लग रहा है। कुछ थोड़ी बहुत वीडियोज़ मैंने प्ले की हैं, तो वो आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा इसके कलर्स का। तो यहाँ पर एक अच्छा डिस्प्ले लगाया गया है। परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो इसमें मिलता है MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर। तो आपको पता है कि ये बहुत सारी डिवाइसेस में
जो बजट फ्रेंडली डिवाइसेस होती हैं उसमें भी आपको दिया गया है। तो ये एक अच्छा चिपसेट है, इसमें आप अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, स्मूथ गेमिंग आपको मिलती है, बाकी भी डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी मिलती है इस चिपसेट के साथ। इसमें जो OS है वो है एंड्रॉयड 11, फन टच 11 इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक लेटेस्ट आपको मिलता है। कैमरे की बात कर लूँ मैं तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप है मिलता है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो दिए गए हैं। और यहाँ पर वीडियो साइड पे कुछ फीचर्स हैं जो कि अक्सर आपको बजट डिवाइसेस में नहीं मिलते हैं, लाइक इसमें आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलती है, लेकिन इसमें आपको जायरो और EISB मिल रहा है, लेकिन वो सिर्फ आपको जाहिर है रियर कैमरा में मिलता है, फ्रंट कैमरा में वीडियो साइड पर ऐसा कोई फीचर नहीं है, लेकिन आपको 1080p 30fps फ्रेम रेट पर वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर अगर सेल्फ़ी की मैं बात कर लूँ तो इस वक्त जो मैंने सेल्फ़ी ली है तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई है, काफ़ी नेचुरल कलर्स दिए हैं, एक अच्छी सेल्फ़ी आई है, तो डिटेलिंग भी मुझे मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया, आपके सामने ही अनबॉक्स किया है, तो मैं ज़्यादा अभी नहीं बात कर सकती कैमरा के हवाले से, क्योंकि थोड़े बहुत सैम्पल्स जो आप देख रहे हैं ये मैंने लिए हैं अभी। मैंने कहा आप लोगों को आइडिया हो जाए, अगर आप प्लान कर रहे हैं वीवो Y53S को लेने का तो आप लोगों को एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाए कि इसके कैमरा किस तरह परफॉर्म करते हैं। बाकी इसमें बैटरी आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, तो बड़ी बैटरी दी गई है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर गेमर्स को टारगेट किया गया है, लेकिन कैमरा साइड पे भी हम बात कर सकते हैं जो कि बजट में रहते हुए एक अच्छा कैमरा भी चाहते हैं, तो वहाँ पर वीवो ने उन लोगों को भी टारगेट किया है, कैमरा की साइड पे भी, परफॉर्मेंस की साइड पे भी, और बैटरी भी बड़ी दी गई है, फास्ट चार्ज भी दिया गया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे स्पेक्स आपको दिए गए हैं। बाकी तब पता चलेगा मुझे जब इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी तक इतना ही बता सकती हूँ जितना मैंने इस डिवाइस को चेक किया है। तो देखते हैं वीवो Y53S को क्या रिस्पॉन्स मिलता है पाकिस्तानी मार्केट में। वीवो Y53 तो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी लोगों को, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी टाइम के बाद ये लॉन्च की गई है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा फीडबैक आएगा, और एक नए कलर कुछ नए डिज़ाइन के साथ आए हैं। आपको पता है कुछ कलरफुल जो है वो बैक पैनल लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, लोग कुछ चेंज चाहते हैं, कहते हैं कि डिज़ाइन में चेंज हो, स्पेसिफिकेशन तो आपको मिल ही जाते हैं लेकिन डिज़ाइन भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि डिवाइस का डिज़ाइन जब खूबसूरत होता है तो वैसे ही आप अच्छा फील करते हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप कवर लगा भी लें तब भी इसमें कलर्स आपको नज़र आएंगे, तो मैं आपको कवर लगा के भी दिखा देती हूँ के डिवाइस कैसी लगती है। तो इससे ही होगा कि आपके जो फ़ोन है इसके बैक पैनल पे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, स्मजेस वैसे इसमें नहीं बन रहे, अभी भी ऐसा कोई स्मजेस वाला सीन नहीं है, ना फिंगरप्रिंट्स बन रहे हैं, क्योंकि जो वो अच्छे नहीं लगते अगर आप कवर के बगैर अपना फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं। तो ये थी अनबॉक्सिंग वीवो Y53S की, आपको कैसा लगा ये फ़ोन, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।